आजकल फोटोज़ क्लिक करना हमारी एक हैबिट सी बन गई है। आई एम श्योर आप लोग भी बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करते होंगे एंड उसके बाद उसे सोशल मीडिया पे अपलोड भी करते होंगे। लेकिन गाइस जो हम लोग चेक करते हैं अपने सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट को, तो कंपेयर करें अगर हम किसी प्रोफेशनल की पोस्ट के साथ, तो हमें उतनी अटेंशन नहीं मिलती जितनी हमें मिलनी चाहिए थी। तो ऐसा आखिर वो लोग क्या करते हैं कि उनकी पोस्ट पर ज़्यादा अटेंशन मिलती है? तो गाइस यहाँ पर सारा आप लोगों को खेल एडिटिंग का दिख जाएगा। एडिटिंग यहाँ पर आप लोगों की सबसे मेन हो जाती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। फोटो या वीडियो हो उसमें एडिटिंग कैसी है, उसे कैसा प्रोफेशनल लुक दिया है या नहीं दिया है। तो यहाँ पे आप लोग भी अपनी फोटोज़ को प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसे ऐप जिसका यूज़ करके आप लोग अपनी वीडियो में प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। सो वेलकम बैक गाइस, मैं हूँ आशीष एंड स्वागत आप लोगों का आशीष नॉलेज हब में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा स्नैपसीड। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो, यहाँ से कोई भी फोटो को सेलेक्ट करो। ढेर सारे फिल्टर पहले आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ इतने ढेर सारे टूल्स देखने को मिलेंगे कि शायद ही आपने किसी और ऐप में यहाँ पे देखे होंगे। तो यहाँ पे सारे टूल्स अगर आप लोगों को सही से इस्तेमाल करने आते हैं ना, तो आप लोग इतनी खतरनाक वाली एडिटिंग करोगे ना कि भाई साहब कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ सिंपली मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया एंड गैलरी में सीधा सेव हो जाएगी। एंड सेकेंड नंबर पर आता है हमारा VN। सो गाइज अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो तो आप लोगों को VN आपके बारे में जरूर पता होगा। अगर नहीं पता तो चलो यार मैं आप लोगों को खुद ही इस वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड कोई भी वीडियो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सी करूँ। जैसा कि मैं ये वाली वीडियो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग कोई भी बहुत ही तगड़ा वाला स्लोमो डाल सकते हो। यहाँ पे स्लोमो बहुत ही यूनिक स्मूथ एकदम पड़ता है यार, स्मूथ कहते हैं ना, बहुत ही स्मूथ वाला यहाँ पे स्लोमो आप लोग डाल सकते हो एंड फास्ट मोड भी कर सकते हो, जैसा भी आप लोग करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग ट्रिम कर सकते हो FX PR जो कि रील्स पे बहुत ज़्यादा चलता है ये। तो यहाँ पे FX आप लोग डाल सकते हो एंड बहुत ही अनदर इसके बहुत ही अच्छे फीचर हैं। सो आप लोग एक बार इंस्टॉल ज़रूर करना एंड इसका यूज़ करके देखना, रील्स एकदम ख़तरनाक लगेगी आपकी, तो ट्राई ज़रूर करना यार। उसके बाद जब आपकी रील्स तैयार हो जाए, यहाँ पे वीडियो तैयार हो जाए, तो आप लोग इजी इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये गैलरी में अपने आप ही सेव हो जाता है। सो थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा फोटो रूम ऐप। इस ऐप का इस्तेमाल करके आप अपनी फ़ोटो में से किसी भी तरह की फ़ोटो में से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, वो भी सेकेंड में, कुछ ही सेकेंड में। तो ट्राई ज़रूर करना इसे भी। सो फोर्थ नंबर पे आ जाती है हमारी B612। ये मेरी फेवरेट ऐप है क्योंकि मैं अपनी सारी फ़ोटोएं इसी से एडिट करता हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि ये वाले ही सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को 150-200 फिल्टर देखने को मिल जाते हैं यार, बिल्कुल फ्री, कोई डाउनलोड नहीं करना पड़ता आपको। तो मुझे सबसे अच्छी बात इसकी यही लगती है कि कोई डाउनलोडिंग वाला ऑप्शन नहीं है, सीधा आप लोग कोई भी फिल्टर मार सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे फ्रेम रेट आप लोग को जैसा भी लगे अच्छा अपने हिसाब से कर लेना है। एंड उसमें के बाद आप लोग को फ़िल्टर आप लोगों ने देखे हैं बहुत सारे फ़िल्टर इसमें, तो एक बार यार यूज़ करोगे ना तब आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या है इसके अंदर। एंड इसके बाद यहाँ पे इफ़ेक्ट देख लो, आप लोगों को ढेर सारे इफ़ेक्ट मिलेंगे, कम से कम 500 प्लस इफ़ेक्ट इसमें दिए गए हैं। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे फ़ोटो का एडिट वगैरह आराम से ईजिली कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो, बॉर्डर फ्रेम दे सकते हो। तो यार एक बार यूज़ ज़रूर करना है। एंड सो फिफ्थ नंबर पे आ जाता है हमारा अपना काइन मास्टर। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो, यहाँ 3 फ्रेम रेट आप लोग को देखने को मिल जाएंगे एंड उसके बाद आप लोग अपनी वीडियो की एडिटिंग चालू कर सकते हो। सबसे पहले यार इसके फीचर बहुत ही ख़तरनाक होने वाले हैं क्योंकि ये यूट्यूबर्स के लिए स्पेशली होता है हमेशा। मैं खुद भी अपनी वीडियो इसी से एडिट करता हूँ, पोस्ट करने से पहले सारी वीडियो मैंने इसी से एडिट की हुई है अपनी। सो ऐसा नहीं कि ये यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, बाकी वीडियोज़ के लिए भी है। अगर आप लोग करना चाहते हो तो इसे भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ सबसे पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ कोई भी फ़ोटो, यहाँ पे फ़ोटो नहीं वीडियो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर ली। कितनी भी वीडियो आप लोग सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे इसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी आप वीडियो सेलेक्ट करो। एंड उसके बाद यहाँ पे इफ़ेक्ट आप लोगों को बहुत सारे देखने मिल जाएंगे, टेक्स्ट डाल सकते हो, इफ़ेक्ट दे सकते हो, अनदर कोई म्यूज़िक डालना चाहते हैं, अपनी वॉइस डालना चाहते हो, कुछ भी अनदर बहुत सारे इफ़ेक्ट इसमें दिए हैं। तो एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना। सो गाइस आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होते यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए